फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम शेफ इंडिया। और आज मैं आपके लिए कराची हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाने में बहुत इजी है फ्रेंड्स, और मार्केट में बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलता है। तो आप इसको घर में 10 मिनट में आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस जायके की सफर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, कराची हलवा बनाने के लिए 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया है, ये कहीं भी आपको इजीली मिल जाएगा किसी भी शॉप पर। 1 कप पानी लेंगे और इसको धीरे धीरे कॉर्नफ्लोर में ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अब इसमें 1 कप पानी और ऐड कर देंगे और इसको चला देंगे। अब हमने टोटल 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 कप पानी लिया है, और ये इसका घोल बनाकर हम ढककर साइड में रख देंगे और अपने गैस की तरफ चलेंगे। फ्रेंड्स, एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम 1 कप चीनी ऐड करेंगे और 1 ही कप पानी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, आप नाप के लिए कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं, कोई भी घर की कटोरी, छोटी बड़ी, जिस हिसाब से आप बनाना चाहें उसी हिसाब से आप पानी, कॉर्नफ्लोर, चीनी सबका मेजरमेंट ले सकते हैं। तो हमने 1 कप पानी लिया है, 1 ही कप चीनी ली है, उसी कप से हमने कॉर्नफ्लोर मेजर किया था। पानी और चीनी को आपस में घुलने देंगे। चीनी अच्छे से पानी में घुल चुकी है। जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया था उसको अच्छे से चला लेंगे, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर है वो नीचे बैठ जाता है, और धीरे धीरे करके उसको ऐड करेंगे। इसको चलाते रहेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी बीच में हम छोड़ेंगे नहीं, और गैस का फ्लेम लो मीडियम पर रखेंगे, ये खुद ही ठीक होता चला जाएगा। और अगर आप इसको चलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे जाके लग भी सकता है। और इसको इतना ठीक होने में हार्डली 5 मिनट्स लगे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब आधा कप घी लेंगे और 1-1 चम्मच करके इसमें ऐड करते जाएंगे। अब घी को एब्जॉर्ब होने तक हम इसको चलाते रहेंगे अच्छे से। अब इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर देंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर देंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें बचा हुआ सारा घी ऐड कर देंगे। अब इसमें अपनी पसंद का कोई भी कलर आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं ऑरेंज कलर ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये लिक्विड कलर है, इसको चला लेंगे। फ्रेंड्स, अब इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से कोई भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब ये कढ़ाई छोड़ने लग जाए और एक साइड सारा हो जाए, तो समझ लीजिए हमारा कराची हलवा बिल्कुल तैयार है। तो उसी स्टेज पर हमें गैस का फ्लेम बंद करना है। इसमें इसी स्टेज पर या तो केवड़ा एसेंस यू डाल सकते हैं या फिर गुलाब जल। तो मैं 2-3 बूंद गुलाब जल की डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये केक टिन लिया है हलवे को जमाने के लिए, इसको घी से ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें अपना जो हलवा है उसको पोर कर देंगे, इसको चारों तरफ फैला देंगे अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है। अब इसको हमें फ्रिज में नहीं रखना है, काउंटर टॉप पर ही 1 से 2 घंटे के लिए रखकर छोड़ देंगे। ये ठंडा हो जाएगा तो अपने आप जम जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारी मिठाई जम चुकी है, ये देखिए। तो इसी स्टेज पर हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे, इसका मोल्ड चारों तरफ से खोल देंगे
और हलवे को बाहर निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा जमा है। अब हम इसकी पीसेस कट करेंगे। पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसी चाहें कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा कराची हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना सुंदर टेक्सचर आया है और कितना बाउंसी बना है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।